डॉक्टर पूर्व विधायक इंद्रदेव सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर जनता को विधायक की उपलब्धियां गिनाई। देखिए बिजनौर से ब्यूरो चीफ धर्मपाल सिंह प्रजापति की ये खास रिपोर्ट। दूसरा मुद्दा क्या है? विकास का। विकास हमें जनून के साथ विकास कराना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है कि हमें जाति या मजहब को भुला करके इनके भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सभी जाति के, किसी भी जाति के लोग हों, हमारे समर्थक हों, एक बार को समर्थक ना हो, मतदाता ना हो, लेकिन सबको सम्मान प्रदान करना और सबके काम के लिए पूरा प्रयास करना, ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को जिस दिन वो ये कहेगा कि भाई हाँ, मैं विधायक के पास गया था और मुझे सम्मान मिला, मेरी बात सुनी गई, मेरा काम हुआ, तो मैं समझता हूँ तब जा करके किसी का विधायक बनना सार्थक होता है। ठीक, ये प्रोग्राम मैंने रखा नहीं है, ये प्रोग्राम हमारे आसपास के इन लोगों ने रखा है, घर की महिलाओं ने है। मैं तो जो है ये तो नहीं कहता कि बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन कार्यक्रम रखना का वो श्रेय इन्हीं को है। तो जो भी हमारी मातृशक्ति यहाँ आई है, उन सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको ये भी प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके सहयोग से अगर मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो आपको कभी शिकायत नहीं आएगी कि भाई हाँ, हमें सम्मान नहीं मिला या हमारी बात सुनी नहीं गई या हमारी समस्या का हल नहीं किया। विधायक जी, आपका कहना कर्ज यह है कि जो आपके पास चुनाव जीतने के बाद जो क्षेत्र की जनता आती है उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। हाँ, मेरी राय में तीन मुद्दे अहम हैं जी, एक विधायक के लिए और जनता के लिए। पहला क्या है? सम्मान। जो जनता विधायक को, सांसद को, जनप्रतिनिधि को चुनती है, उस जनता को सम्मान। पुत्रों का भी, अपने पिताजी का भी और अपने आप भी जीवन भर संघर्ष करते रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ, उसका स्मरण करते। तो ये जो